दर्शकवृंद नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम अपन विशेष में विभिन्न प्रसंग में विभिन्न सरोकार पर विभिन्न व्यक्तित्व के संग बातचीत करै छी। आजुक कार्यक्रम अपन विशेष में किछ राजनीतिक विषय पर बातचीत करब। 6 महीना के मधेश आंदोलन जकर उद्देश्य की रहे हम अहाँ सब आदमी बुझै छी। उद्देश्य प्राप्ति भेले कि नहि भेले, तकर बाद बीच मझधार में आंदोलन एखन होल्ड भ रहल छै आ आंदोलन के अग्रगामी दिशा की हेतै, तकर बाद संशोधन के बात आबि रहल छै, संशोधन प्रक्रिया कैला असमंजसता में पड़ल छै, यावत विषय में बातचीत करय के लेल संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा जाहिमे 7 टा मधेशी दल आबद्ध छै, 1टा दल मधेशी जनअधिकार फोरम गणतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर यादव जी आजुक हमरा सबके अतिथि छथि। हुनका संगे बातचीत करब जे आब आंदोलन के वा कही मुख्यतः संशोधन के मुद्दा छै की हेतै, तकर बाद सारा मधेशी जनता के एकटा सरोकार के विषय रहै छै वा जिज्ञासा रहै छै जे आब मधेशी दल सब कहिया एक हेतै, किएक तऽ कांग्रेस एमाले सन के पार्टी सब सँ लड़के छै भविष्य में। राजकिशोर जी स्वागत अछि कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसँ पहिल सवाल, एखन आब छठि के बाद अपने सब छठि तक के अल्टीमेटम देने छियै, छठि के बाद जो संशोधन के प्रक्रिया अगाड़ी नहीं बढ़ते तो अपने सबके जे सहभागिता है मौन सहभागिता ए सरकार में की करबे अपने सब? निश्चित रूप से अपने जे रखलिए के बात ओहिमे संविधान जारी भेला के बाद या संविधान निर्माण के जे अंतिम प्रक्रिया रहे ते बखत में मधेशी मोर्चा अपन रिजर्वेशन सहित कि एहि प्रक्रियासँ यदि संविधान निर्माण हेतै तऽ मधेशी जनता के हक अधिकार स्थापित नहि हेतै आओर ई संविधान सबके लेल खास कर मधेशी दलित जनजाति सब एहि चीज के नहि स्वीकारब कहिकऽ हम यार आंदोलन में गेलियै आओर ओ आंदोलन विगत 1 साल कहियो अनवरत रूपसँ तऽ हम यार 6 महीना आंदोलन केलियै, लेकिन ओ आइ 1 साल से बेसी भऽ गेलै आओर ई आंदोलन के विभिन्न आरोह अवरोह पार करैत एखन जे ई सरकार बनल है ओ सरकार अपने के 3 बुंदे सहमति के आधार पर जे 3 बुंदे के 1 नंबर बुंदा में संविधान संशोधन कऽ एखुनका भेलहा संविधान के पूर्ण बनेबे या अकरा स्पष्ट भाषा में कहल जा तो ई संविधान के जे है मधेश मैत्री जनजाति मैत्री या पहचान के लेल आंदोलन करे वाला शक्ति के मैत्री शक्ति संविधान बनेबे या ओहि के लेल संशोधन करबे आओर ओहि संशोधन कऽ जे ई आंदोलन से उठल मांग सब रहे ओहि मांग सब के संबोधन करबे आओर अकर जे है स्वीकार्यता जे है से बढ़ेबे कहकर 1 नंबर बुंदा में भेल है आओर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कला के बाद बारम्बार ई बात के कहियो भारत भ्रमण जेबे ते से पहिने कहियो दसई से पहिने आओर दसई के अंतिम अंतिम में अब दसई तिहार के बीच में कहकर ओ एखन तक के जे प्रक्रिया है एहि ढंग से बढ़ रहल है। निश्चित रूप से ई संविधान संशोधन वाला जे प्रक्रिया है ओ जटिल तो है, एहि दुआरे जटिल है कि जे मूलतः जे बड़का शक्ति है तीनों बड़का पार्टी वो अपने के भीतर से एगो होइ छै ने हृदय से स्वीकार क उदार भ क एहि संशोधन क सब जनता के अधिकार या एहि मूलधार के राजनीति में लाबी से कतौ ने कतौ अनिच्छुक है या बाध्यता से ओ आंदोलन के डर से होय या ओ सरकार बचबे के डर से होय या जे ढंग के एखुनका कि संविधान के आ भविष्य की हेतै मधेशी जनता नहीं मानते तो अगर भविष्य नहीं या संविधान के फेनो रदी के टोकरी में फेंक पड़ते तै दुआरे या कतो ने कतो ओइला तैयार तो होइ छै लेकिन फेनो ये के जे एस्टैब्लिशमेंट है जे परमानेंट राज्य सत्ता जकरा कहै छियै ओ सब बारम्बार एहि नाम पर ओहि नाम पर डिस्टर्ब केला परेशानी केला तै दुआरे एखुनका प्रक्रिया जे रूप से बढ़ा चाही से नहीं बढ़ रहल छै, लेकिन फिर ओकर विकल्प नहीं छे जे अपने देखने हेबे कि काठमांडू में इनकी बेर दसई से पहिने हम यार मोर्चा के औपचारिक बैठक क प्रधानमंत्री जी के ई आगाह करलिए कि अहाँ या तो हमरा और के ई संशोधन के कहिया तक करबे या केना के करबे फिर करबे तो ओमे कदी कदी करबे सेहो बात स्पष्ट हो जाए। संशोधन के मतलब ये नहीं कि अहाँ अपना मन से कह दियो या ओमे भाजन ध्यान है या ओमे फिर हमरा के मुद्दा संबोधन नहीं हुए तै दुआरे एक तो हमरा के मुद्दा संबोधन करे ला हमरा जे सहमति कायम करे पड़त एक दोसर बात उ कहिया तक करबे उ फेनो सहमति करबे करबे ई चढ़ू समधि कहि क ई आज अपन सत्ता के लंबी हेबे त आब हमरा के धैर्यता के बांध टूट रहल है
और एखन दशई है तिहार है और छठ है, खास कर अपना और के लक्ष्मी पूजा और छठ जहाँ मधेश में बड़ी धूमधाम से मनवे है, तो अ दुआरे बात वो सब बुझ रहा है कि मधेशी मोर्चा अखन कतब पीते थे तो छठ तक तो कुछ नहीं कह सके तो हम वो कहलिए कि ठीक है निक कामो है और अपने के एगो ऐतिहासिक सेहो छै त कैले ने हम यार ओकरा अइ शंका के लाभ द दी कहि क हम यार अंतिम समय छठ तक देलिए ग हमरा भरोसा है कि ई चीज करते या कर पड़ते ई बाध्यता है एकरा के नहीं करते तो के बाद जे है से फेनो मधेशी मोर्चा बैठ क आब योजना भावना में खाली जे विगत में भेले देखियौ विगत में कुछ त्रुटि सब भेले पुरन जी हमरा और के असंतुष्टि रहे आक्रोश रहे जनतों में वही प्रकार के रहे लेकिन जे एगो कार्य योजना हो चाहिए जे प्लानिंग हो चाहिए कि आंदोलन के हम यार उठेबे तो आंदोलन के कत लजेबे वो आंदोलन के कौन स्वरूप में लजेबे ताकि राज्य सत्ता कमजोर हो या हमारा जो झुक है तई में कतो ने कतो लीडरशिप में वो कमी कमजोर देख लिये। दोसर बात ये आंदोलन जो है अपने जो कहिए आंदोलन कैला ये आंदोलन मुक्ति के आंदोलन है, ये आंदोलन खाली मधेशी जनता के मात्र हक अधिकार के सवाल नहीं है, ये आंदोलन अ राष्ट्र के अई देश के यदि अहाँ शांत बनाकर रह चाहिए अई देश के अखंड राख चाहिए अई देश में रहे वाला तमाम नेपाली सब चाहे वो मधेश में हो हिमालय में हो पहाड़ में हो जतक भी लोग हो ये हमर देश है जे अनुभूति करब चाहिए तय के लेल ये साझा राजनीति दस्तावेज है, संविधान कोनो कागज के खोस्टा मात्रे नहीं, ये एगो साझा राजनीति दस्तावेज है, तय के लेल अय प्रमुख राजनीति और सामाजिक रूप से जे क्लस्टर सब है अई देश में तीन टा सामाजिक रूप से प्रमुख क्लस्टर है जगह जातीय क्लस्टर के एगो अपने के मधेशी एगो जनजाति और एगो अपने के खस बाहुन जगह कही की से अई तीनों के बीच में कतो ने कतो अपने के एगो शक्ति संतुलन हेते और वो अपने के संविधान में प्रतिबिंब हेते तो संविधान अपने के लॉन्ग लास्टिंग हेते और वो अपने के एगो निकास देते जरा अपने सब कहे छी ने जे छठ आब लक्ष्मण रेखा भेले छठ के बाद हम सब कुछ ने कुछ करबे या कि प्रेशर देबे नहीं तो विकल्प सोचबे विकल्पो सोचबे तो फिर अपने सब के आब एखन कांग्रेस एमाले के कांग्रेस माओवादी के गठबंधन छै उ यदि छोड़े छी अपने तो अपने के एकटा मित्र शक्ति भ जायत एमाले जकरा से अहाँ सब बहुते दूर छियै तकर बाद तो बीच मझधार में पड़ जेबे ने अपने सब मोर्चा अपने बहुत ही नीक प्रश्न पूछलिए वास्तव में ये एकदम गंभीर बात है मधेशी मोर्चा के जे एखन यथार्थ है एखन फुटबॉल जगह भ गेल है कि ओकरे फायदा उठा रहल छै प्रचंड जी नै ओकर फायदो सब आइ करबै काल करबै एहि सब नै ओ त एना छै हम अपने के जे राजनीतिक रूप से जे अपने कहलिए ई एकदम सोचे वाला बात है बहुते साथी सब या बहुते पार्टी के नेता सब कह दे जे तुरंत कि ई हेते त हम एना क देबै लेकिन ई मात्र विकल्प त नै एखन तक हम यार 6 महीना अनवरत रूप से आंदोलन भेले 48 टा व्यक्तित्व शहादत प्राप्त केलके हजारों के संख्या में आइ घाइते है अपांग भ गेले बहुत के घर बार उजड़ गेले आर्थिक रूप से व्यापारी सबके यह बहुत बड़का क्षति भेले विद्यार्थी सबके स्कूल 6-6 महीना बंद रहले बहुत बड़का क्षति है नहीं राष्ट्रीय जीवन के लेल मधेशक जे एगो सामाजिक अथी छले वो अस्त व्यस्त भ गेले लेकिन तै के बावजूद हो राज्य जे ढंग से सुनना चाहिए सुनवाई करना चाहिए नहीं केलके कैले नहीं केलके वही कमी कमजोरी के विश्लेषण करे पड़ते हमरा अपन जे अथी है ये बात हमें मोर्चो में उठा रहा छे लेकिन मोर्चा के कुछ नेता सब जे विगत में त्रुटि भेले त्रुटि होइ छे काम करबे त त्रुटि होइ छे लेकिन ओहि त्रुटि के सचिया के अहाँ के आगू बढ़े तब मात्र अहाँ के परिणाम भेटत त्रुटि भेल छे अपने देखने हुए ये आंदोलन जन आंदोलन है ये आंदोलन अधिकार प्राप्ति के आंदोलन है ये आंदोलन जन मुक्ति के आंदोलन है लेकिन आंदोलन चुनाव मुखी या राजनीति दल जै ढंग से आंदोलन में होमले और एक दोसर के क्रिटिसाइज कहियो एक दोसर के व्यक्तित्व के लड़ाई कहियो वैसे आंदोलन कमजोर भेले जनता में कतो ने कतो उदासीनता देखल के कि भाई लीडरशिप जे है एकदम एक तो हम यार ओनाही तो कमजोर छिए एखुनका स्थिति में देखल जाए राष्ट्रीय राजनीति के सब मधेशी मोर्चा मिल जाए तैयो ओकरा के अनुपात में कमजोर छिए है लेकिन वो मधेशी मोर्चा में जे किसी के तारतम्य मिलना चाहिए जे किसी में भावनात्मक एकता हुआ चाहिए जे किसी में एक दूसर के जे कार्यनीति रणनीति मिलना चाहिए से स्थिति में अभाव देखल गए है तै दुआरे ये आंदोलन के एखन कर आब रह गए कि हम यार करबे कथी तो हमरा बुझाए एम की बेर छठ तक अ सरकार के हम यार बड़
स्पष्ट शब्द में कह देने छे कि अहा सब छठ से पहिने जे जे करे के आ सेहो आ नहीं करे के आ सेहो कहल तो छठ के बाद फिर अहाँ के ये शंका के लाभ नहीं भेटत। छठ से पहिने अपने के दोनों चीज करू, ये बात नहीं कि अहाँ नहीं कर सकबे तो फिर हम अहीं के पाछू रहबे से बात नहीं। अहाँ जो प्रश्न पूछली कि ये का आंदोलन करबे तो अहाँ एम आल तेना नहीं हेतु एम की बेर के आंदोलन हम यार एगो मास्टर प्लान के तहत आ खाली सरकार निर्माण तक मात्रे मधेसी मोर्चा सीमित रहे से नहीं करते। जे अपने हमरा ऊपर आरोप लगे छे ए मधेसी नेता सब तो खाली सरकार बनेला मात्रे आंदोलन करे है या मंत्री बनेला आंदोलन करे है से तन की बेर चीर दल के मधेसी नेता सब आ हमरा फिर हम यार मंत्री नहीं बने थे मतलब दोसर फिर मंत्री बनकर हमरा ऊपर राज करे से बात नहीं हेतु। हम यार अपने के बड़ा जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा छी वो दिन यदि छठ से पहिने संशोधन के लेल वातावरण सकारात्मक वातावरण नहीं बनल तो हम यार तो आंदोलन में रहबे अमे कोनो दुमते नहीं रहले, लेकिन चैन से उहो भाई साहब सब नहीं रह पौते। यानी एम आल ए कांग्रेस माओवादी हम यार फिर एम आल ए जरे मिलकर फिर दोसर सरकार के विकल्प नहीं सोचबे, अगर विकल्प सरकार नहीं हेतु अकर विकल्प संविधान विस्थापन हेतु। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि संविधान हमरा और के हित में नहीं है हम यार अखन तक संशोधन के बात कर रहा छे कि ठीक छे देश के निकास दे के छे तो हम और जिम्मेवार बनबे संशोधन का अपना और बढ़ू। यदि छठ तक ई संविधान पूर्ण बनबे के लेल ई माओवादी कांग्रेस और एमाले तैयार नहीं हेते तो ई संविधान फिर ओकरो सब के लेल ई रहे के स्थिति नहीं हेते। मतलब संकेत कति छे तभी अगर संकेत अब अगर जे विद्रोह हेते तो निश्चित रूप से विद्रोह हेते और ई संविधान के विस्थापन हेते संशोधन के बात नहीं रहते तब संशोधन के बात नहीं रहते। ये स्पष्ट रूप से हम यार अब फुटबॉल जका और ये बात हम यार मधेसी मोर्चा में खास कर गणतांत्रिक फोरम एम के बेर के मोर्चा के बैठक रहे थे स्पष्ट रूप से कहल के कि हम यार सब दिन दोसर के लेल भरिया मात्रे छी तो हम यार आप नेतृत्व देवे कहकर कहिया ये परिकल्पना ये अथी सोचबे कहियो कांग्रेस के भरिया बनी छै कहियो माओवादी के भरिया बनी छै कहियो एमाले के भरिया बनी छै कि हम यार भरिया बनेला जन्मल छी तो आब मधेसी मोर्चा के ये और निकम्मा है ये और नहीं सकले तो आप हमारा नेतृत्व देवे तेन गुरु योजना बनाकर चलो पड़ते ओकर पहुनका लक्षण हेतु छठ के बाद एगो गुरु योजना बनाकर ओहन विद्रोह के तैयारी कर पड़ते जे विद्रोह में इहो सब चैन से नहीं रह सके या ई संविधान के आधार पर जे और मौज मस्ती कर रहा है से अवस्था नहीं रहती। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा संघीय गठबंधन संघीय गठबंधन कहे छे काठमांडू आंदोलन करू। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जना राजेंद्र महतो जी अपने भेलिए तकर बाद तमलोपा भेले अपने सब कहे छे मधेस में आंदोलन करू। उपेंद्र जी आंदोलन के लगे चल जाए छथिन काठमांडू में तकर बाद पहाड़ केंद्रित करे छथिन तो फिर से अपने सबके सातटा दल में जाबत अपने सबके कोऑर्डिनेशन नहीं मिलत एकता अपने सबके मजबूत नहीं हैत तो फिर से आंदोलन अपने सबके नेतृत्व के ला स्वीकार करते मधेस के युवा सब। ये अपने बड़ा देखियो ये प्रश्न तो उठ रहा है हम अपने के हिंट दिलिया हम मात्रे ये चाहे कि हम एखन कोनो पार्टीगत लाभ या व्यक्तिगत लाभ के लिए ककरो बुराई करी ते मनसाई में नहीं हम एकदम अपने के स्पष्ट कही थी हमार आग्रह खासकर हमू युवा छे तो हम मधेस के भविष्य समृद्ध हुए और मधेसक जो समस्या है ओकरा हम यार राजनीति खिलाची के विषय नहीं बनाबी पहले इस समस्या समाधान करी वही के बाद जकरा जो क्षमता है वह अनुसार राजनीति दल बनोते संगठन बनोते विस्तार करते। ये आंदोलन एते बड़का आंदोलन जैमे 48 आदमी शहादत दिल्क लेकिन अपने जे व्यक्ति सबके नाम कहिए उनका सबके मोच के लड़ाई कही नहीं है वो पहाड़ में जुंगा के लड़ाई अपना कहिए मोच के लड़ाई तकर कारण कोई मर रहा है और अहा अपन मतलब अपन सुविधा अनुसार अ चीज के व्याख्या विश्लेषण कर रही दुर्भाग्य है जकर आई परिणाम हम अहाँ देख रहा छे जनकपुरे सनक जगह अये एते बड़का युवा सब बिना संगठन कहियो ना अये के युवा सब संगठित भक आंदोलन केलके ओकरा एगो निक जका लीडरशिप मिलती है वो आंदोलन बहुत बड़का आंदोलन के रूप धारण करते तो ये तो हेबे करे। अब रह गेलै मोर्चा और गठबंधन के जे काठमांडू के मीडिया में जे ढंग के आबि रहल है हम और ओई के न्यूनीकरण करे चाहै छी लेकिन की छै कतौ ने कतौ घर में जब आग लागल छै तऽ धुआं तऽ बाहर निकलै छै नै आंदोलन हेतै आंदोलन करे पड़तै। रह गेलै मधेस में ई आंदोलन के हम एहि दुआरे एना के व्याख्या करे चाहै छी कि मधेसी जनता की बेर
अपन पहचान के लागी सेहो ले रहल छी, लड़ाइए पहचान के लागी जी, कि हम मधेशी मूल के नेपाली छी और अ देश में हमरा के ससम्मान हक हक जो है अधिकार स्थापना हो तक नहीं ले रहा चाहे राज्य सत्ता तोरा के मात्र नहीं हो हमरा के साझेदारी हो चाहे हो तैले नहीं ले रहा चाहे ते द्वारे मधेश में आंदोलन मधेशी मोर्चा के नेतृत्व में हेत में कोनो शंका नहीं है जी। मधेशक आंदोलन मधेशी मोर्चा का अथी हेत लेकिन हमरे और जगह जे संविधान के नहीं स्वीकार नहीं जना हम कहली पहाड़ के जनजाति आदिवासी दलित तो वो सब सेहो आंदोलन कर रहा है तो वो सब आंदोलन पहाड़ों में आंदोलन हुए तै के लिए मधेशी मोर्चा के आधिकारिक निर्णय अखन जना आबि रहा है ना जै ढंग से प्रचारबाजी भेल अकर सुपद बात कह दिए पूरण जी कि ये अखन गठबंधन के जन्म दे है संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा देने वो अपन आधिकारिक निर्णय के देने ते द्वारे जे बच्चा के जन्म होने वो बच्चा तो अहाँ के कथी कहे माय बाप से नम्हर नहीं भ सके ना तो मधेशक आंदोलन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के नाम पर हेत में कतौ दुविधा नहीं है ओकर लीडरशिप संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा लेते पहाड़ में सेहो आंदोलन हो हमरा के कामना है कहला तो आंदोलन अखरा के घंबई ला काठमांडुओ में जगह आंदोलन हेतु तब तो दिमाग ठेकान लगते तय के लिए हम आओ वही संघीय गठबंधन के नाम से हो तै द्वारे संघीय गठबंधन निर्माण भले कहला तो उनका सबके संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा मधेशी और अपना के तो मधेशी नहीं कहे या मधेशी हेबो नहीं करे ते द्वारे के जो कनी पहचान के जो दिक्कत छे तना नेवार राज्य में नेवार सब लड़ते तो अहाँ नेवार सब लड़ू लिम्बुवान लड़े लिम्बुवान लड़ू तमांग सब लड़े तमांग सब लड़ू गुरुंग सब लड़े गुरुंग लड़ू लेकिन सबके जोड़ के तो वो पहाड़ के लिए संघीय गठबंधन हेतु आंदोलन हेत मधेश हम अपने कहली और ये आंदोलन का अभिष्ट कथी है आप जो आंदोलन हेतु तो अकर आंदोलन का अभिष्ट है संविधान के विस्थापन वही के लिए हम यार आप लड़ाई अपने कहली मिलते मिलते इस समय परिस्थिति मधेशी नेता सब की है ओकरा जब जब प्रेशर पड़े छे हुकना लगे छे तो वो आगे देखबे आगे समय पर उचल अबे या मधेशी नेता सब विगत में गलती भेले तै सब अपने के बड़का क्षति भेले लेकिन अई बीच में चाहे कोई केतबो लड़त हुई लेकिन जब आंदोलन के बात अबे या मुद्दा के बात अबे तो कोई दया नहीं खेलके ओकर प्रमुख कारण रहे कि मधेशक युवा के प्रेशर आगे सब के दिमाग में प्रेशर जी वो डर छे कि कोई बदमाशी कर भी तो विस्थापित हो जाए वो नेता नहीं रहेगी समाप्त भ जाए अ जोड़े अपने बहुत बढ़िया बात कहिए अपने सबके लिए सबसे बड़का चैलेंज के विषय मधेशी युवा के सेंटिमेंट है वही से खिलवाड़ नहीं केना यदि अपने सब वही से खिलवाड़ करे तो अपने सबके अस्तित्व नहीं रहत दोसर की चाहे मधेश के युवा सब अब जना अपने के पार्टी एक सांसद मात्र है हमारा विचार में अनिल झा जी के पार्टी भले जो चुनाव भ जाए तो अपने सब आज जो अस्तित्व में छे वो अस्तित्व के साथ चुनाव में जेबे केना बहुत बड़का संकट हेतु ना अपने सबके तो वही के उपाय की देखियो हम एखन अपना के दू तीन चरण में बात करब अपने ठीक कहलिए हम अपने के बात बुझ गेलिए कि अपना और एक एगो बाजा दस कोई जे बजबे तो कमजोर तो हेबे या ना है मधेशी जनता इहे चाहे छे संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के एक क्षेत्र में एकटा उम्मीदवार एकदम आया अब हमरा के पूछे छी तो हम अपने के सूर्य में आई के कनी झलक देलिए कि मधेशी पार्टी सब जे अवस्था में एखन है हम ऐसे संतुष्ट नहीं छी हम अपनो पार्टी से जे अखन वर्तमान जे संरचना है तैसे संतुष्ट नहीं छी अकरा एगो नया ढंग के नया कार्य योजना सहित नया कार्यनीति सहित एगो नमहर शक्ति निर्माण कैल जाए हो सके तो सब मधेशी जे मधेश के उद्धार करे चाहे छे एक प्लेटफॉर्म में आओ फिर खाली व्यक्ति व्यक्ति मिल जाओ से नहीं अही स्वरूप में नहीं एखन मधेश में जे ढंग के पार्टी संरचना है तैसा काया पलट नहीं हेतु मधेशी के वही के लिए नया वैचारिक एगो धरातल खड़ा कल जाए नया कार्य योजना सहित अहाँ एगो कहला तब देखियो ना कांग्रेस ही एमाल आर में अहाँ के एक घनेरो नेता है सबके व्यवस्थापन है सबके अलग अलग भाग है अपन काम कर रहे तो मधेश में कैला नहीं भ सके एगो ये लेकिन अब के लिए तो एगो पार्टी या एगो नेता कहते तो नहीं हेतु हम यार वही तैयार छी कि एगो बनाओल जाए ये संभव नहीं हुई छे तो अपने जे कहलिए कि एक तो खाली चुनावी राजनीति का अपना और जे बात खोज रहा वो नहीं हेतु प्राप्त ये दूटा चीज अलग अलग है चुनाव अपने के प्राविधिक विषय से हो चुनाव में अपने के सब चीज चाहिए तब अपने चुनाव जीतबे लेकिन हमरा अहाँ के जो मुद्दा है वो मुद्दा अपने के संघर्ष और विद्रोह से स्थापित है कहला तो ये मुद्दा जो है हम राज्य के जो संरचना है तक बदल चाहे तक नहीं स्वीकार
काठमांडू में जो सब चीज लग बैठल है तकरा हमें और कहे थे कि वो अधिकार आप जनकपुर में आवे चाहिए जे मतलब उपचुनाव से मात्र संभव नहीं, उपचुनाव से मात्र संभव नहीं, अकरा हमरा यहाँ के चुनाव हमरा के रणनीतिक हिसाब से उपयोग मात्र है और वकर एगो यदि हम यार ईमानदार थे ओकर रास्ता संघर्ष है विद्रोह है बात बुझल गए तै द्वारे एक दुगो और स्पष्ट कार्य दिशा सहित जा पड़ते है एक दूसर बात अपने जो चुनाव में हमारा जो बात है जनता और में है एकदम एम की बेर अथी भजाओ कि एम की बेर मधेसी मोर्चा संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा यदि चुनाव में जाए है तो एक गो क्षेत्र से एक गो उम्मीदवार रहते चाहे वो जना को हो वो करे पड़ते जे आगे के नहीं मानते वह बहिष्कार करते अ में अब समस्या कुछ लीडर के व्यक्तित्व टकराव है अब ये बात मधेसी मोर्चा के उम्मीदवार भसे के संघीय गठबंधन के अलग भसे अब ये बात अखन नहीं खोल जाए ऐसा किए थे हमर हमरा पूछे थे माता जानकी के ये भूमि है ये माता राजदेवी के भूमि है आई हम यार ओहने दिनों में थी कि सब नेता के सद्बुद्धि दे सब नेता के माता जी दिमाग में ये भर दे कि मधेसी मुक्ति कोनो नेता और कोनो पार्टी के स्वार्थ से बड़का चीज है ये देश के स्वार्थ है राष्ट्रीय स्वार्थ है ये मानव के अपना और के जो सदियों से एक किस्म के उत्पीड़न और शोषण में पड़ल के वही शोषण से मुक्ति के सवाल है ते द्वारे कोनो नेता कनी हम नमहर भजाए या कनी छोट भजाए ते सब बड़का ये तो पुस्ता दर पुस्ता के ने सवाल है ते द्वारे ये माता जी सब के हैं बुद्धि दद है कि व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थ से उठ का ये मोछक लड़ाई लड़बे अपना आओ एक तो नहीं तो कमजोर छे अपने सब जब बैसे छे ने मधेसी मोर्चा के बैसार होय छे तो अपने सब अध्यक्ष जी सब बैसे छे तो वही खाली संशोधन के वा एखन के जो पॉलिटिकल मेन इश्यू सब छे ओय के बारे में मात्रे बातचीत करे छे कि एकीकरण आब एक होवे पड़ले सेहो बात सब उठे छे देखो भाव मन में सबके पूरण जी ई अब ई जे है अपने के मानू ना गाँव के नेतो तो अहिये के अ समाज के ये हर चीज जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य कथी है कि जे दृढ़ इच्छा शक्ति हो चाहे जै ढंग के वो संकल्पित इच्छा शक्ति हो चाहे से कतौ ने कतौ कमजोर देखल जाए नेता सब में तो में जे कनी अपना और के जगह सीनियर कहे छे या कनी एजगर नेता सब है तो उनका सब में वो इतने ज्यादा भर गया है कि दोसर के अस्तित्व तो स्वीकार उनका बड़ा मुश्किल भ रहा है बात बुझल गए ना ये एगो संरचना से एगो मनोविज्ञान नहीं हो छे लेकिन अभी पर छलफल अब चल रहा है नेता टू नेता पार्टी टू पार्टी हम और अध्यक्ष अध्यक्ष बैठी जगह जगह मन मिले है तो बैठी जी बात हुई कि अब केना के जाए अइ जब कि आंदोलन करे छी बड़का शक्ति यह जनकपुर आंदोलन हो तो पूरे जनकपुर विधायक में क्रांतिकारी साथी सब है संघर्ष करे तो नेतृत्व ले तैयार है तो यह आगे कांग्रेस हिमालय माओवादी देखा नहीं पड़े लेकिन चुनाव हो तो अगर वो सब जीत जाए ना तो अगर मतलब कदम कदम त्रुटि तो है वो संरचना नहीं बन सकल के जगह सब कोई के हम मतलब समेट सकी तो तय के बारे में एगो गुरु योजना सहित ये है जे फेनो हम हमरा पूछे थी तो गणतांत्रिक फोरम अपने के ऐसे पहिने अही जनकपुर में अपने के जीवन केंद्र में हम और तीन दिन के विस्तारित बैठक कर का एगो नया विकल्प सहित हम और अगर तैयारी के लिए कि हम आगे वैचारिक और वैचारिक के साथ साथ वो विचार के लागू करे कार्य योजना कमती में मधेशवादी दल जगह मधेशवादी दल के क्या उनका सब लोग 5 साल तक हम अय जेब से कार्य योजना पूछियो तो नहीं केना के शक्ति बनते हमरो आप तो त्रुटि भले हम एगो अध्यक्ष छे लेकिन जे हम हमरे पार्टी है तकर संचालन विधि से हम खुश नहीं छे हम अपने असंतुष्ट छे बीच में 1.5-2 साल से चुनाव के बाद देखबे ना बड़ा घमर्थन भले हमरे पुते बहुते त्रुटि सब भले अपने के एक इंटरव्यू से आयल है जे श्रीमती लाई सांसद बनाउनु धेरै ठूलो भूल भयो कहि के एकदम निश्चित रूप से ये बाध्यता के ऊपर रहे हमारे व्यवहारिकता नहीं कह छा विकल्प नहीं रहे के लिए लेकिन राजनीति रूप से नीतिगत हिसाब से वो गलत रहे वो कैला भले तो अगर तैयारी नहीं रहे और घाटा भले वहां घाटा भले तो अब द्वारे हम यार चाहे थे कि आप एगो वैचारिक शक्ति बने जे वैचारिक शक्ति मधेश के साथ साथ देश के नेतृत्व कर सके पहाड़ी सब नेतृत्व करे छे तो ओकर संगठन मधेश में बन सके लेकिन हम यार यदि विचार देवे हम यार ओहन अपन के लीडरशिप तैयारी करबे तो हमर नेतृत्व पहाड़ में केना स्वीकार दे बात बुझल गेलै 21वीं शताब्दी है तो एखन पूरण जे सबसे बड़ी समस्या कथी है कि वस्तुगत तैयार है आधार जे वस्तुगत आधार मधेश में संघर्ष के लेल आंदोलन के लेल ओहन पार्टी क्रांतिकारी पार्टी बने के लेल तैयार है लेकिन लीडरशिप के जे आत्मगत तैयारी हो चाहिए जे नेता के वो औरा हो चाहिए नेता के जो ओझ हो चाहिए नेता या वो हिम्मत कर चाहे से नहीं कह पा रहा है नेता से मधेसी नेता सब 10-20 शक्ति बना दिया फिर एना फुटबॉल अना के मुक्ति पेबे
जब तक अपना नेतृत्व में नहीं कोनो चीज गठन कर सकबे मानू ना अब हमरा और क्षमता रहते और मधेशी मोर्चा ओय के लिए काबिल रहते और नेतृत्व में सरकार गठन होते तो आई समस्या तक समाधान करे आसान होते ना। तो हम कल तक कहियो कांग्रेस के पाछू लगलिए कहियो एमाले के पाछू लगलिए कहियो माओवादी के पाछू लगलिए और अपना अपना स्वार्थ अनुसार उपयोग करे ते दुआरे ये एक बेर हमार आग्रह है ओना हम यार वही करे हमू एगो अध्यक्ष छे तो ओहिमे कते कमी कमजोरी भेले ओकर हम नीतिगत या वैचारिक रूप से ओकर हम अथी लेले तैयार छी लेकिन हमार इच्छा है कि आम मधेशी नेता सब वो छोटका छोटका कोटरा से निकल पड़ती और हम ई देश के नेतृत्व हम कर सकबे हमरा में क्षमता है वही के लिए अपना के रूपांतरण कर पड़ती वैचारिक रूप से उठब पड़ती मधेश में जे ढंग के अखन पूरन जी पार्टी और है दुर्भाग्य है ना हम यार मधेश मधेश कह के और मधेश के अखन बोली चाली के भाषा में फलना जात के पार्टी फलना फलना जात के पार्टी फलना ऐसे बड़का दुर्भाग्य की है हम यार मधेशों के नहीं मिलवा सके छे तब देश के केना का मिलवे के बात करबे है कि ना। तै दुआरे मधेशक पार्टी सब एक तो ई जे है सामाजिक जे अंतर्द्वंद है तकर व्यवस्थापन करे पड़ते सबसे पौन का बात उ सबके पार्टी हुई सब जात जनी से देखे तो बुझाए कि पार्टी हमारे यहाँ एक दूसर बात मधेश के सबसे बड़का सवाल है कि दलित के बारे में एखन तक कोनो मधेशवादी दल स्पष्ट कार्ययोजना नहीं लेलकै अहाँ देखबे एखनो मधेश के दलित आंदोलन में सहभागी नहीं भ रहा है ओहि रूप से जे रूप से हो चाहिए जबकि सबसे बेसी पीड़ा दलित के है सबसे दबल राज्य से दबल है सामाजिक रूप से दबल है ओके सबसे बेसी परिवर्तन ककरो चाहिए तो दलित के चाहिए लेकिन दलित अपना के अइ मधेशवादी दल में नहीं अटा सक रहा है ये खुनो वो जो है कतो ने कतो आगे वो कम्युनिस्ट के झंडा बोकनी है बात बुझ गए ना। जबकि अधिकारवादी आंदोलन जब पहचानवादी आंदोलन आ कम्युनिस्ट आंदोलन एक दोसर के परम शत्रु हुई थी ये बात बुझ पड़ा वैचारिक रूप से लेकिन कैला ने भ रहा है तो नेता और वो कार्ययोजना नहीं लुटी महिला के सवाल हमे आंदोलन करे महिला के सवाल पर देखबे तो अपने के आज तक महिला सब इम्पावरमेंट करे के लिए ओकर शिक्षा से लकर संपत्ति के हक के बारे में लीडरशिप केना निर्माण हो तो महिला सब के अपने के तेहन योजना नहीं खाली अखन तक मधेशवादी दल सब भावना में सेंटिमेंट में बह रहा है आंदोलन करबे आंदोलन आप सबके चाहिए आंदोलन में जमा हो जाए लेकिन वो आंदोलन वाला शक्ति के संगठन के रूप में केना के रूपांतरण करबे ये गुरु योजना कोनो मधेशवादी दल नहीं। अखने दसवीं जारी से एक न्यूज आयल से केपी शर्मा ओली एमाले के अध्यक्ष मधेशी मोर्चा के चायपान समारोह में बजलक संबंध सुधारक के मतलब तैयारी कर रहा है मधेशी मोर्चा संगे एमाले के ई की भ सके अपने के विचार में एक अध्यक्ष के हैसियत से एक देखियो राजनीति में एमाले जे हमरा कोनो जाति दुश्मनी तो नहीं ई एगो मीडिया में याल विषय मात्र है हमरा ले कोनो औपचारिक रूप से निमंत्रण नहीं आले। दोसर बात चाय में जाए हम यार चाय पियेला कोई कार्यक्रम कोनो पार्टी करते तो वो तक लोग जाए छे ये माले के पहिने अपन नीतिगत और वैचारिक रूप में स्पष्ट हो पड़ते वो मधेश के जनता के सम्मान करे ला तैयार है कि नहीं एखन तक ओकर कार्य प्रणाली देख कर ओकर काम धाम देख कर वो नहीं तैयार है। आम मधेशी मोर्चा हम अपने कह नीलो के एगो संघा है मधेशी मोर्चा कोनो भी राजनीति पार्टी कांग्रेस एमाले माओवादी के आप भरिया बने ला तैयार नहीं इस सरकार के बहिर्गमन या विघटन के बाद हम अपने के सीधा कहू सरकार निर्माण के लिए यदि मधेशी मोर्चा उपयोग हो जाते तो हम ये विद्रोह करबे और हमारा बुझाए मनोविज्ञान फेनो सब नेता में ते दुआरे एमाले जरे कथी भ रहा है एमाले के अगर सीधा कहिए तू हमारा मधेश के मुद्दा पर सकारात्मक भगे संबंध तो नहीं दे सुधर देते ना संबंध बनबे ला तो अहाँ के ईमानदारी पूर्वक अहाँ के व्यवहार देख ने अहाँ बोले कते निक छे ते से भर तो नहीं पड़ते अ दुआरे एमाले के पहिने अपन दृष्टिकोण अपन संकीर्ण जो विचार है या मधेश के प्रति जो घृणा है टिप्पणी है घृणा टिप्पणी तो शब्द में है लेकिन मन में भीतर से तो घृणा है वो अभिव्यक्ति वो घृणा के जो है पहिने निकाल पड़ते वो अहाँ के निकलबे करते फिर वो या तो अपने निकाले या तो मधेशी सब ओकरा मुँह में हाथ दक वो निकालते आप ओकर कोनो उपाय नहीं। प्रधानमंत्री प्रचंड जी कहे छथिन जे अनौपचारिक वार्ता मधेशी मोर्चा संग जारी छ सहमति को प्रयास अंतिम चरण में छ अपने एक पार्टी के अध्यक्ष छे मधेशी मोर्चा के एक घटक छे कति बात सब अनौपचारिक जना भाषा में सुने छे नागरिकता में लगभग मिल गेल छे कादुन आ एमाले सेहो कहे छे जे सीमांकन लाई छोड़ दिने हो भने सबै माग हामी पूरा गर्न तैयार छौ त कति छ सीमांकन में की भयो। देखियो प्रचंड जी सुपद बात पुछबै ना तो प्रचंड जी बहुत बड़का नाटकबाज है ऊ जे है
जैया जेहन भेष देखे है जेहन देश तेहन भेष करे वाला आदमी हमारा और जे बात करे पूरन जी तो अगर बात सुनबे तो बुझाए कि हमारा और से बड़का क्रांतिकारी उभ जाए लेकिन अगर काम में जे है से नहीं देखा रहा है लेकिन ओकरा विकल्प आप नहीं ये बात मधेसी मोर्चा सब नेता पर आप भारी पड़ रहा है और ये सोचे चले कि मधेसी मोर्चा या मधेसी नेता थका देवे अगर आपके दिमाग में कथी छे सुपर बात पे एते दिन से कैला नहीं भले तो अगर ये कि मधेसी नेता और के जो सरकार बनते ना तो एक दूटा मंत्री दे देवे या अगर आपके जो मंत्री के लोभ देवे ना तो और छोड़ कर चलो ये में की अगर प्रमाणित भ गए कि आप मधेसी अब हिले डोले वाला नहीं हो चाहे का कारण जे हुई बुझल ना जब मधेसी नेता अब हिले नहीं डोल तो अपने देखे एमाले के भाषा बदल रहा है कहली तो हमें कहली कि तू आप खुला छूट हो छठ तक तू जे मन हो कर लेकिन छठ से पहले हमारा के हाथ में वो संशोधन बिल हो जाए अब रह गए संशोधन बिल एक प्रमुख संशोधन में सीमांकन हो भी पड़ते अपने सबके में निश्चित रूप से सीमांकन के बारे में नहीं स्पष्ट भक तब दोसर चीज केना हेतु तो आब की है कि एखन जो चल रहा है प्रमुख जो है से जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण वो जो एखन दू गो बिल लौने रही कांग्रेस के समय अथी में तो वही में अपने के स्पष्ट अथी कि वही के स्पष्ट करूँ अस्पष्ट है हम यार जो चाहे थे ते अनुसार वो चाहे राज्यसभा में हम यार जनसंख्या के आधार बनाकर जाए ले चाहे थे भाषा आयोग बनाकर भाषा नीति के बारे में छलफल करे जे अपने के बाहर आयल है जे काठमांडू में एक विरोध भ रहा है जे ढंग से तो यार केहन चलाक आदमी है कि जे चीज बेसी विरोध हेतु ना विरोधाभास है फेंक दिल ताकि वही पर नाराज जुलूस लागल लगे आ ये मान लगे जो है एगो ग्रुप सब तैयार रहे थे तो एगो अहाँ के अथी है लेकिन ये अब जते भी रणनीति बना ले में सफल नहीं हेतु तो अपने के चारिटा विषय सीमांकन राज्यसभा के बनोट भाषा और अपने के नागरिकता और समानुपातिक समावेशी के क्लस्टर है सुधार ले तैयार है तो ये जो बात भ जाए तो हमारा वही संशोधन के ओन करबे बात बुझल गए ना ते के बाद एगो दोसर चरण में प्रवेश करते आब एखन ओकरा दिमाग खराब एहि दुआरे भ रहल है कि सीमांकन जे है ओ आर चाहे छले से घुमा फिरा कथी करी देखो ये आर केहन है जब तक अगर प्रेशर नहीं करबे ये साफ जगह है जब ये बिल में पैसते ना तो अपने सोच होते चल जेते एकर की राय रहल छै जे मधेसी मोर्चा सेहो सीमांकन में कंप्रोमाइज करे के लिए तैयार छै नहीं कुछ करते तैयो मतलब मान जेते से बात सब नहीं तेहन ई सब ई बात जे है देखो विपक्षी सत्ते लागल है ना कुछ बात एहन होइ छै कि अपने के हम ओहि भीतर में जे बात भ रहल है एखन मीडिया में कहि देबै ओकरे आधार बना के ओ आर फेनो सचेत भ जेतै अपने के एगो बात की राखल जाए कि मधेसी मोर्चा एम की बेर हरेक मोर्चा पर हमें पहले जगह खाली एक बेर सब चीज खोल देबै से बात नहीं हरेक मोर्चा पर डटल छियै और अकरा सब जे ई और जे काट लेते ओकर काट तैयार सहित हमें तैयारी के नहीं ताहि दुआरे एम की बेर एहिमे शंका करे के स्थिति नहीं वो आर किए देखिए वो आर चाहे कि मधेश में मधेसी मोर्चा के बरखिलाफ कोनो काम भ जाए या मधेसी मोर्चा केना का ओहिमे बीच में अगर अपने उसमें फूट भ जाए तिक्ता भ जाए हमरे और जरे विभिन्न नेता के अलग अलग बजा के विभिन्न लोभ लालच नहीं दल के से बात नहीं है कहियो कोनो गुट के तू सरकार में चलिया कहियो कोनो गुट के तू सरकार में चलिया या कुछ ल ले नहीं बुझल गल वो आर ई चाहे ना मधेसी मोर्चा जे ढंग से इंटैक्ट भ गेल है चाहे व्यक्तिगत कितबो तिक्ता हो लेकिन अपने देखने हुए जब मुद्दा हो है तो सब नेता एक खराब हो जाए जब कनी शांत हो तो झगड़ा शुरू हो जाए लेकिन जब बुझाए कि आप मधेश के विरुद्ध में लड़ा पड़ते मधेसी विरुद्ध जरा बरखिलाफ करल है तो एक ठीमा भ जाए ये एगो बहुत निक लक्षण है नेता सब के सीमांकन के अपने सब अहू द्वारे मतलब मधेसी जनता के हक अधिकार समानुपातिक समावेशी जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व वहू सब भेट सकैया सीमांकन के अपने सब पकड़ के राख के एक की आबि रहल छै बात जे ई सब चुनावी मुद्दा भ गेलै आब सीमांकन के पकड़नाइ किया तऽ जनता सीमांकन में हम अहू कतार रहब अहू कतार बात बराबरे हेतै मन में वोट देबे के मन से सेहो बात चला रहल छै तकर बाद कांग्रेस आब माओवादी कहै छै समानुपातिक समावेशी को सिद्धांत मतलब अवधारणा छ त्यो हामीले ल्याएको हो कांग्रेस कहै छै हमरे सबके धनुषा के जखन गृहमंत्री छथिन ओ कहलकै जे जनसंख्या के बात तो हम सबसे शुरू में हम उठेने छियै जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व होने पर्छ आ हम ही संशोधन करेलिए सेहो कहै छथिन तऽ अपने सबके जे आंदोलन बेर में अपने सबके जे आंदोलन रहै ओहि बेर में कांग्रेस के जे अवस्था रहै ओहिसँ बहुत सुधार भ गेलै फेर सँ कांग्रेस के अवस्था तऽ आब सीमांकन अपने सबके कोन मुद्दा छै चुनावी मुद्दा साँचो छै केहन एना छै कि देखियो ये हम और कहली ना अपने कि ई आंदोलन अधिकारवादी आंदोलन है ई मुक्ति कामी आंदोलन है
ये हमारा अहाँ के जीवन मरण के सवाल है। एगो चुनाव के लाभ और हानि के आधार पर जनता के भविष्य के साथ मधेशी जनता के सदियों से जो इच्छा रहे तक जरिए अथी निकाल जाए। देखो ये कांग्रेस हिमालय के नेता सब माओवादी के नेता सब के दिमाग में कथी छे चुनावे सबसे बड़का चीज है, लेकिन मधेशी मोर्चा अ अथी में हम अपने के शुरू में निवेदन के लिए कि चुनावी राजनीति से हमारा निकल पड़ते हैं। हमें चुनावी राजनीति में जब फैसला लगे थे तो अपन ये कमजोर कर जाए। इस द्वारे सीमांकन किमार्थ हमारा खाली चुनावी मुद्दा मात्र नहीं है, ऐसा हमारा के पहचान जुड़ल है। दोसर बात अपने के हम यार शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ रहा थे कि एगो भाई के अहाँ के अनुकूल भजा दोसर भाई के मरद छोड़ देवे। हाँ हम अहाँ जरे पूछे थी अहाँ के ठीक है जनकपुर वाला के बड़ निक भजे थे, लेकिन जे जे कमजोर पड़ रहे तक मधेशी है तो छोड़ देवे तो ये केना न्याय भेलै? कांग्रेस एमाले माओवादी भीतर के मधेशी केना छोड़ दे छै? तो फायदा छै ओकरा सुनने राजनीति में रहता छै ने चेतना नहीं भेलै ने। ये भगवान एगो जीवन जगत कथी है पूरण जी, यदि अहाँ अपन स्वाभिमान के अपन सपना के बेच लियो तो पेट भर के खाए ला तो कोई दशक है ना। कांग्रेस एमाले में लागल मधेशी सबके जब अहिया नारा लगे रोड पर युवा सब ओकर बाप कांग्रेस में नेता है बेटा नारा लगवे जे अपन बाप के जन्मल छे से वो छोड़ के यहाँ ओकरा केहन अथी हुई। बहुते लोग जनकपुर में बैठा नहीं सके वो छोड़ के काठमांडू चल गेले। ये यथार्थ है ना आंदोलन के समय में जे अखन गृहमंत्री है से जनकपुर नहीं आ सकल के से यथार्थ है ना। तो राजनीति अहाँ कथी ला करी? राजनीति के मतलब स्वाभिमान सम्मान पहचान अहिले नहीं करी राजनीति, वही में जनता के सेवा हुई। तो ये अपने के देखियो ये भगल व्यापारी वाला बात है, लाभ हानि जो है ना जीवन में जीवन कथी है था जगत कथी है था ये लड़ाई तक कह हम अहाँ जिंदा छी बात कर रही वही काम के लिए लोग शहादत दिल के ओकर सपना कथी रहे था ये लड़ाई नहीं होते ना। तै दुआरे ये है मुक्ति के सामने ये झीना मसीना बात मिली चुनाव जितना है हारना है मंत्री भेना है नहीं भेना है ये बहुत कते भले ककरा याद करे समग्र में। आप अपना सब कार्यक्रम के अंत में छी अपने के अपने सब के मोर्चा के वाच कर रहा मधेश के युवा सब जे ध्यान लगा के बैसल ये सब की करत फिर से सरकार बनायत गिरायत की करत वही युवा सब के अपने की कह चाहे? सबसे पहले तो हम सम्पूर्ण श्रोता जो हमारा जन है या सुनित आई सुनता जो सुन रहा है रेडियो आज टेलीविजन देख रहा है उनका सबके हम कह चाहे छे कि बड़ा दशमी के शुभ उपलक्ष्य में बहुत ही बड़का शुभकामना और हार्दिक बधाई दिला चाहे छे। दोसर बात वो युवा साथी सबके कि अपन मुद्दा पर बात बुझ कर सजग भ कर अहाँ सब पहरेदार के काम करो। जब नेता बदमाशी करे छे ओकरा के खबरदार करू और ओकरा और की हरदम एगो ई डर बनल रहे कि हम काठमांडू में गलती करी तो हमरा जनकपुर के सिराहा के सरलाही के मोहतरी के जनता नहीं छोड़ब हम घर नहीं जा सकब। ये स्थिति आई एम के बेर मोर्चा सबके देख रहा है एगो ये बहुत बड़का कारगर काम लगे सबसे बड़का हथियार यहाँ थे बात बुझ कर फिर कोनो अंध भगने हमे और अखन तक दोसर के लिए प्रयोग होते रहिए हमारा के प्रयोग हो के नहीं हम यार आव अ राज्य सत्ता के असली हकदार थे और हम यार आव सक्षम थे से मधेशी युवा के बुझ पड़ते और पहरदार के भूमिका निर्वाह कर पड़ते और हम अंत में फेनो शुभकामना देना चाहे थे। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहित दशमी दियावतिया छठ के शुभकामना से अपनों जो विचार रखे के मौका दिलिए अपने लगाए सम्पूर्ण आई टेलीविजन यूनिट के साथी सबके बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। दर्शक मित्र इसलिए मधेशी जन अधिकार फोरम गणतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर यादव जी इनका संगे मधेश के मुद्दा के जे भविष्य छै तकर बाद अखन के अवस्था छै संशोधन के बात सब यावत विषय पर बातचीत केलहुँ। कार्यक्रम अपन विशेष अखन के लिए जेबाक आज्ञा दिए नमस्कार।